बेटा मोनू जरा आकाश की तरफ देखो, इतनी तेज धूप है, लगता है 8-10 दिन तक बारिश नहीं होगी। क्या दादाजी, सूरज को देख के कुछ भी? ये देखिए, इसमें इसके हिसाब से अगले 4 दिनों बाद बारिश होने की आशंका है। अरे तुमने अपने मोबाइल में ये क्या देख लिया? मैं तो अपने मोबाइल से केवल बात ही कर पाता हूँ। दादाजी आप पुराने जमाने के हैं, ये नया जमाना है। नया जमाना, आज के जमाने में आसमान नहीं, वेदर फोरकास्टिंग और मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम आने वाले मौसम के बारे में जान सकते हैं कि कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर सूखा पड़ेगा। अरे कमाल की चीज है, जरा मुझे भी दिखाना। अरे अरे देखिए देखिए, वर्तमान की पीढ़ी में प्रौद्योगिकी विकास एवं पहले की पीढ़ियों में प्रौद्योगिकी अभाव, यही एक दो पीढ़ियों का प्रमुख अंतर है, जैसा कि हम अपने रचना में दिखाए। अगला सीन। सर मैकेनिकल रघुवर को मल बाबूजी क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? बाबूजी ये देखिए, मैंने शादी कर ली है, ये रही आपकी बहू। पागल हो गए क्या तुम? वो क्या? दादाजी ये आपकी घर की इज्जत है बाबा, आपकी बहू। हमारे जमाने में मेरे पिता डिसाइड कर रहे थे शादी कहाँ करनी है, बीवी कौन होगी, कहाँ जाएगी, और तुम्हें ये भी नहीं पता शादी के पूरे पूरे एक दिन बाद मुझे मालूम पड़ा था कि मेरी बीवी है कौन। जरा समझाओ इसे, इसे तो अपने खानदान की इज्जत मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं रहा, बस अपनी मनमानी करता रहता है। चुप रहिए दादाजी आप, वो आपका जमाना था, ये नया जमाना है मेरा। आपके जमाने में होता हो गया सब, लेकिन इस जमाने में मेरी मर्जी चलेगी, ये मेरी जिंदगी है। अगर मैं जिसमें मुझे खुशी दिखती है मैं वही करूंगा, आप सबकी नहीं सुनूंगा। प्रीति आपकी बहू है। कौन प्रीति? वर्तमान पीढ़ी के बच्चे अपने इच्छा अनुसार कार्य करना ही पसंद करते हैं, अथवा वो अपने बड़ों का सम्मान करना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं समझते, जबकि हमारे जमाने में, पहले जमाने में लोग अपने पिता से आंख उठा के बात करने किया करते थे, जैसा कि हमने चित्र दिखाया। अरे सुनो जरा खाना देख लेना, मैं थक गई थोड़ा, और ये रिमोट तो मुझे टीवी देखना है, सीरियल। अरे अरे मैं खाना बनाऊंगा, पागल हो गई क्या? मेरा मैच चल रहा है, मुझे मैच देखना है। इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ मैं ही खाना बनाऊंगी? और घर तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अरे है ना जिम्मेदारी, लेकिन घर का खाना घर की बहुएं बनाएगी। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, बस तो बस। ये क्या बात हुई, घर का सारा काम मैं ही करूं, ऊपर से थकी हुई हूं, ऊपर से सबका ख्याल मुझे ही रखना है, घर का काम करो, बाहर की नौकरी करो, मैं तंग आ गई इन सब से, मैं जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, कौन तुमसे मिल जाता है, दूसरी मिल जाएगी मुझे। बेटा मोनू इतना परेशान क्यों बेटा तुम? अरे बाबूजी क्या बताऊँ, रोज रोज की झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ, आज मैंने बोल दिया उसे कि तुमसे नहीं मिलना मेरे, तुम जाओ। अरे बेटा शादी ब्याह का बंधन कोई रेशम की धारा की तरह बंधन नहीं होता, तुम जब चाहो तब कैंची से काट दो, चाकू से काट दो बेटा, ये विश्वास का अटूट बंधन होता है, प्यार का बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है, जो किसी भी चाकू से या किसी भी आरी से काटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है।
बेटा ये मैं नहीं, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। मैंने माना कि तुम नई सोच के हो, मैं पुरानी सोच के हूँ, लेकिन सोच तो बदल जाती है, जमाने बदल जाते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं बदलते बेटा। अगर तुम मेरा कहना मान तो जा तो कहो तो मना, समझे? ठीक है बाबूजी। प्रिय, यदि हम अपने पुरानी अपने नई पीढ़ियों की नई सोच एवं अपने पुराने बड़े बुजुर्गों का अनुभव का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो समाज में किए गए सभी कार्य का परिणाम सकारात्मक ही होगा। धन्यवाद।